क्या कहा तुमने? हमें इस बच्चे की जरूरत नहीं जिया। जिया कभी कभी ना चाहते हुए भी हमें कुछ फैसले लेने पड़ते। हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना। जिया जो बीत गया बुरा वक्त था, तुम्हारे लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए। मैं ग्रेटफुल टू गॉड जैसे तैसे वक्त गुजर गया। ये बच्चा बार बार हमें उस बीते हुए कल की याद दिलाता रहेगा। लोग तरह तरह की बातें करेंगे, हम तो जैसे तैसे सुन लेंगे, लेकिन माँ बाबा का क्या? कहीं ऐसा ना हो कि ये बच्चा उनके लिए बिना गलती की सजा बन जाए, जो उन्हें जिंदगी भर भुगतनी पड़े। जब जब मैं लोगों की बातें सुनता तो हेल्पलेस फील करता हूँ, सफोकेटेड फील करता हूँ। जी अब अगर मेरी हालत है तो बाकियों की क्या हालत होगी? जिया जिया हमें सोचना है कि क्या ये बच्चा वाकई हम सब के लिए खुशियां लाएगा या हम सब पे बोझ बन जाएगा। जिसने अभी तक इस दुनिया को देखा ही नहीं, वो किसी पर क्या बोझ बनेगा? शेखर, ये बेबी हमारा है। हम दोनों ने मिलकर फैसला किया था कि हम उसे दुनिया में लाएंगे, और अब ये फैसला भी हमें ही करना है कि ये दुनिया में आएगा या नहीं। सवाल ये नहीं है कि लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या बोलते हैं, सवाल ये है कि तुम क्या सोचते हो, तुम क्या चाहते हो। आई डोंट नो जिया, मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मुझे खुद नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना लगता है कि अगर ये बच्चा इस दुनिया में आया तो ना खुद खुश रहेगा ना और किसी को खुश रहने देगा। इससे तो अच्छा है कि बच्चा पैदा ना हो। शेखर। माँ, तुम अभी तक जाग रहे हो बेटा? नींद आ रही थी। बाबा कैसे हैं? बैठ रहे हैं बेटा। डॉक्टर ने कहा है कि अब वो खतरे से बाहर है, अब कोई टेंशन नहीं है। तुम भी जाओ, जाकर सो जाओ। बहुत दिनों से देख रही हूँ तुम भी बहुत ज्यादा परेशान लगते हो। सही पर पापा घर आ जाए तो सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। कोई और बात है क्या बेटा? और क्या बात होगी? नहीं, मुझे ऐसा लगा कि पता है शेखर, एक बार के लिए तो मैं डर ही गई थी। भगवान की कृपा से सब ठीक हो गया। बाबा के साथ कौन? समर है ना बेटा। माँ, आप मुझे फोन करते थी, मैं हॉस्पिटल आ जाता, भाई थोड़ा आराम कर लेते। मैंने उसे कहा था बेटा कि बाबा ठीक है, तुम घर चलो, लेकिन वो नहीं माना। कुछ नहीं तो मैं कल सुबह हॉस्पिटल चला जाऊंगा। अब आप आराम कर लो, अब थक गई होंगी। थकान तो मेरी उसी वक्त उतर गई थी बेटा जब डॉक्टर ने मुझे बताया था कि तुम्हारे बाबा अब खतरे से बाहर है। ना, वो मन की बात है, शरीर को तो आराम चाहिए ना। अच्छा, तू मेरी माँ है कि मैं तुम्हारी माँ? माँ, हम सब एक दूसरे के लिए। हाँ बेटा। शेखर, आई एम सॉरी बेटा, मैंने हॉस्पिटल में पता नहीं तुम्हें क्या क्या बोल दिया।
ये बच्चा बार बार हमें उस बीते हुए कल की याद दिलाता रहेगा। लोग तरह तरह की बातें करेंगे, हम तो जैसे तैसे सुन लेंगे, लेकिन माँ बाबा का क्या? कहीं ऐसा ना हो कि ये बच्चा उनके लिए बिना गलती की सजा भेजे। जब मैं लोगों की बातें सुनता तो हेल्पलेस फील करता, सफोकेटेड फील करता। हमें सोचना क्या ये बच्चा वाकई हम सबके लिए खुशियां लाएगा या हम सब पे बोझ बन जाएगा। हेलो, हाय, कैसे हो तुम? ठीक हूँ। इतनी रात को जरूरत हो क्या? या सॉरी, मैंने इस वक्त फोन किया, बस तुम्हारी याद आई तो सोचा तुमसे बात कर लूँ। ठीक किया ना? कुछ बात करनी थी? नहीं, मैंने तो यूं ही फोन किया। तो कब मिल रहे हैं हम? मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। क्या बात है शेखर, बहुत डल साउंड कर रहे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कभी कभी मुझसे भी कुछ शेयर कर लिया करो। दरअसल मेरे बाबा, मेरे फादर को हार्ट अटैक हुआ। माय गॉड, आई एम सो सॉरी शेखर, मैं तुमसे इधर उधर की बातें करती रही और इट्स ओके। आपको पता नहीं था ना? आप कैसे हैं तुम्हारे फादर? Now he's much better. अभी हॉस्पिटल में है? हाँ। शेखर, तुम कैसे हो? ठीक हूँ। पापा को देखा तो एक पल के लिए तो समझ में नहीं आया कि हमें क्या करना चाहिए। Now I think so much better. शेखर, यू नीड एनी हेल्प? नो, थैंक्स अ लॉट। गुड नाइट, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। आप जैसी माँ हो तो कोई भी डर जाए ना। मेरा मतलब वो एक तो पहले मैं सपना देख रही थी, उसपे वो ही आपकी कहावत हो गई। कौन सी कहावत कहते हैं आप? करेले और नीम वाली। एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ा, वही। हाँ वही, एक तो सपना हो गया करेला और उसपे आप हो गए नीम। मेरा मतलब सपना क्या था? सपने में है ना समर, है ना वो मेरा बताने में शर्म आती है। डब्बो, डरावना सपना बताने में शर्म की क्या बात? बातें मत बता, सीधे सीधे बता क्या सपना था। एक्चुअली सपने है ना, समर मेरा गला सहला रहे थे तो है ना। तो इसमें डरने की क्या बात है? हाँ तो सहलाते सहलाते वो गले दबाने लग गए ना, तो मेरी चीख निकल गई। चीख के मैं उठी तो आपको देखा सामने, मैं मतलब भूत लगे आप। लेकिन डब्बो घबरा मत, सपना तूने एकदम ठीक देखा, बस लोग गलत थे। अपनी बीवी का गला समर नहीं, शेखर दबा रहा था। हाँ? क्या मतलब? शेखर आज पहली बार अपने कमरे में नहीं, बाहर सो रहा था। मतलब जो मैं चाहती थी वो हो रहा है। लेकिन मम्मी, कमरे के बाहर सोने से क्या फर्क पड़ता है? समर तो कितनी बार कमरे के बाहर जाके सो जाते हैं, उन्हें मेरे खर्राटों की वजह से नींद नहीं आती ना। वो सोना और ये सोना अलग है। आज की रात दोनों के लिए बहुत भारी पड़ेगी और कल की सुबह पता नहीं क्या लेके आए। पता नहीं क्या लेके आए,
मम्मी मुझे थोड़ी देर सुला दो ना। चल सो जा। जी हाँ, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, शाम को देर से आऊँगा। तुम्हें कुछ कहना? बाबा ग्लूकोज की एक और बॉटल और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बेटे आदमी प्लान क्या करता है, होता क्या है? बाबा सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप ठीक हो गए। प्लानिंग तो फिर भी होती रहेगी, रुका हुआ काम भी किया जा सकता है। फिर भी पूजा को रोकना नहीं चाहिए था बेटा, उसका एक वक्त होता है, एक मुहूर्त होता है। कम ऑन बाबा, आप इतने बीमार थे और फिर जिया ने एकदम मना कर दिया था कि बाबा के बिना पूजा नहीं होगी। मैंने तो उससे कहा भी था कि बाबा नाराज होंगे, पर उसने कहा कि बाबा की डांट वो खा लेगी लेकिन बाबा के बिना पूजा नहीं करेगी। और आप तो जानते हैं, जिया ने जो एक बार सोच लिया सो सोच लिया। कितने दिनों के बाद कुछ सेलिब्रेट करने का मौका आया था। मैंने सारा प्लान चौपट कर दिया। बाबा आप ये सब मत सोचिए, पूजा तो फिर हो जाएगी जब भी हम चाहें। आप ठीक हो गए यही सबसे बड़ी बात है। मेरा बहुत मन था बेटा, बच्चे के आने की खुशी में मेरे पांव जमीन पर नहीं टिक रहे थे। अच्छा एक बात बताओ समर, आदमी बच्चों से ज्यादा खुश होता है या बच्चों के बच्चों से? बाबा इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, ना तो मेरे बच्चे हैं और ना बच्चों के बच्चे। मैं जानता हूं बेटा, तभी तो मैं बच्चों की बात कर रहा हूं। मैं ठीक हो जाऊं ना, उसके बाद इससे भी बड़ी पूजा रखेंगे, ज्यादा तैयारियों के साथ, एकदम ग्रैंड। लेकिन बाबा पूजा में छोटा बड़ा क्या होता, पूजा तो पूजा होती है। लेकिन ये कोई ऐसी वैसी पूजा नहीं है बेटा, पांडे खानदान के तीसरे जनरेशन की आने की पूजा है। बाबा आप जो चाहते हैं जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा, फिलहाल आप ठीक होने पर ध्यान दीजिए। बचपन से आज तक हमने कितनी कहानियां सुनी, उन पर यकीन भी किया, ये महसूस भी किया कि आप हैं, मेरे आसपास हैं, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसका सिर्फ एक ही गवाह है आप। आप दे देखा ना मेरे साथ क्या हुआ, आज तक मैंने अपनी हर मुश्किल का सामना आपकी मदद से किया है, आज फिर मुझे आपकी जरूरत है। ये फैसला मैंने बहुत मुश्किल से लिया है लेकिन लिया बहुत सोच समझ कर है, कम से कम मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। फिर चाहे मेरा ये फैसला मुझ पर भारी पड़े लेकिन ये जरूरी था, इसीलिए मैंने अपनी पकड़ ढीली कर दी। राज भी मुझे यकीन है, कोई और समझे ना समझे आप जरूर समझोगे।
थैंक गॉड, पापा की तबीयत पहले से बेहतर है। आप थक गए होंगे? बाबा के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जानता हूँ, रात भर आप जागते रहे हैं, आज रात भी आपने जागना। भाई आप घर जाके आराम कर लीजिए, मैं दिन भर बाबा के साथ हूँ। ठीक है, वैसे चिंता की कोई बात नहीं है, सब कुछ टाइम पे ही हो गया। घर पर सब कैसे हैं? ठीक है। जिया कितनी खुश थी, उसके रंग में तो भंग पड़ गया। दरअसल शेखर, औरत बच्चे को फील कर पाती है, इसलिए उसका एक्साइटमेंट हम लोगों से बहुत ज़्यादा होता है। तुम जिया को कहना चिंता मत करें, जब बाबा घर पर आ जाएंगे तो हम लोग बहुत बड़ी पार्टी करेंगे। बाबा खुद ही कह रहे थे। क्या? यही कि बहुत बड़ी पूजा होगी। वैसे शेखर, तू इतना खोया खोया क्यों है? क्या हुआ? शेखर मेरी बात का जवाब दे, तेरा और जिया का झगड़ा हुआ है क्या? झगड़ा क्या तूने जिया से? अब कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं होगा, किसी पूजा की कोई जरूरत नहीं। भाई क्या मतलब? भाई मैं क्या करता, जहां जाता हूं वहीं ये बातें होती है, ऑफिस जाता हूं वहां ये बात होती है, घर आता हूं वहां ये बात होती है, अखबारों में ये बात मैं क्या करूं, किस किस को मैं अपनी सफाई देता हूं। मैंने जिया को कह दिया कि बच्चा हमें नहीं चाहिए, अगर बच्चे के पैदा होने से पहले इतनी चीजें हैं तो इतने सवाल पूछे जा रहे हैं, उसके पैदा होने के बाद क्या होगा? तूने जिया से कहा कि तुझे इस बच्चे की जरूरत नहीं है, पांडे खानदान का पहला बच्चा है। अरे इस दुनिया में कोई भी इडियट आकर कुछ भी कहेगा तो उसकी मनगढ़ंत बातों को मान लेगा क्या? तेरा दिमाग तो ठीक है शेखर, तेरा दिमाग ठीक है क्या? मैं क्या करता भाई? शेखर अपने डिसीजन को जस्टिफाई करने की कोशिश मत करो, बच्चा सिर्फ बच्चा नहीं होता, बल्कि वो थोड़े वक्त के बाद माँ बाप के बीच की कड़ी बन जाता है। उस बच्चे की वजह से तेरे और जिया के बीच का रिश्ता कितना गहरा हो जाएगा, जिया को कितना गुस्सा आया होगा, कितनी नाराज होगी वो तुझसे। आपको पता है एक पल के लिए तो मैं बहुत घबरा गई थी, लेकिन जब इन्हें मुस्कुराते हुए देखा ना तो लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा। शेखर कहाँ है? वो नाश्ता नहीं करेगा क्या? नाश्ते का तो पता नहीं, लेकिन अब तक तो वो हॉस्पिटल भी पहुंच गया होगा। बेचारा समर सारी रात नहीं सोया, अब शेखर जाएगा तभी तो वो यहाँ पर आएगा ना। आएगा तो नहा धोकर थोड़ा सो लेगा, नींद पूरी कर लेगा। लेकिन ये जिया क्यों नहीं है ब्रेकफास्ट करने? लो आ गई, बड़ी लंबी उम्र है इसकी। जिया के हाथ में क्या है?